हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में, इसके टाइप्स, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज के होता क्या है। पोस्ट मीन्स होता है आफ्टर, पार्टम मीन्स डिलीवरी एंड हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। तो एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग अकरिंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पोस्टपार्टम हेमरेज। ये क्या है? थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और ये मोर कॉमन कॉज है मैटरनल डेथ का आफ्टर द डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, जो हमारा ब्लड लॉस होता है वो 150 टू 200 ml होता है इन नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। तो एनी ब्लड लॉस ग्रेटर देन 500 ml इन नॉर्मल डिलीवरी और ग्रेटर देन 1000 ml इन सीजेरियन सेक्शन। अगर कोई भी मतलब ब्लीडिंग हो रही है 500 ml से ज़्यादा हो रही है नॉर्मल डिलीवरी में और 1000 ml से ज़्यादा हो रही है सीजेरियन सेक्शन में, तो इसको हम लोग PPH बोलेंगे, ठीक है। अब PPH को डिफाइन कैसे करते हैं? PPH इज डिफाइंड एज any bleeding occurring from or into the genital tract after the delivery of baby to the delivery of baby up to 2nd puerperium। तो कोई भी ब्लीडिंग अगर बेबी के बर्थ के बाद हो रही है अप टू द प्यूरपेरियम, प्यूरपेरियम हमारा लगभग 6 weeks का होता है, अप टू द 6 weeks, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PPH बोलेंगे। अब PPH टाइप्स को देख लेते हैं हम लोग, कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी PPH एंड सेकेंडरी PPH। प्राइमरी PPH में क्या होता है, कोई भी ब्लीडिंग अगर विद इन द 24 आवर ऑफ डिलीवरी हो रही है देन उसको प्राइमरी PPH कहते हैं। सेकेंडरी PPH में आफ्टर द 24 आवर ऑफ डिलीवरी अप टू द प्यूरपेरियम अगर है ब्लीडिंग देन इसको सेकेंडरी PPH बोलेंगे। प्राइमरी PPH को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, थर्ड स्टेज हेमरेज एंड ट्रू प्राइमरी PPH। थर्ड स्टेज हेमरेज होता है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब बेबी की डिलीवरी हो गई पर प्लेसेंटा अभी आउट नहीं हुआ है, बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको थर्ड स्टेज हेमरेज बोलेंगे। और ट्रू PPH में क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा अप टू 24 आवर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर इसको ट्रू प्राइमरी PPH कहते हैं। मैक्सिमम केसेस में PPH इसी टाइम में आकर होता है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा अप विद इन द 24 आवर, ठीक है। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं हम लोग, कॉजेज क्या क्या हैं इनके। प्राइमरी PPH के कॉजेज को हम लोग 4 T से याद रखते हैं। पहला क्या है? टोनिसिटी,
ये मोर कॉमन कॉज है प्राइमरी पीपीएच का. 80% केसेस में जो पीपीएच होता है वो एटोनिसिटी की वजह से होता है. यूट्रस टोन्ड नहीं होता है, कंट्रैक्ट नहीं करता है, देन पीपीएच होता है. दूसरा है टीयर. टीयर की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी वो होता है. तीसरा है टिश्यू. अगर प्लेसेंटल टिश्यू यूट्रस में रह जाता है उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है. और चौथा है थ्रोम्बिन. कोई भी कोआगुलेशन डिजीज, कोआगुलेशन डिसऑर्डर है, ये बहुत रेयर कॉज होता है कोआगुलेशन डिसऑर्डर. ठीक है, ये रेयर कॉज है. मैक्सिमम केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मिक्सअप रहते हैं, टीयर प्लस टोनिसिटी. ठीक है, सेकेंडरी पीपीएच में क्या है? सेकेंडरी पीपीएच के कॉज हो सकते हैं रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, इन्फेक्शन, सर्वाइकल और वेजाइनल लैशरेशन. लैसरेशन, फाइब्रॉयड और पॉलिप. अर्ली ऑनसेट ऑफ कोरियोकार्सिनोमा. ये जो है मेन कॉमन कॉज होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पीपीएच के अकर होने के. अब हम लोग देखेंगे एक एक करके उसके कॉजेज और उसके रिस्क फैक्टर. तो पहला कॉज टी में हमने क्या देखा था? एटोनिसिटी. ठीक है, एटोनिसिटी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एटोनिसिटी का सबसे जो कॉमन कॉज होता है वो होता है मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ग्रैंड मल्टीपैरा, जिसके बहुत सारे पहले से ही बच्चे हैं. अगर किसी 5-6 बच्चे के बाद अगर किसी की डिलीवरी हो रही है तो ऐसे पेशेंट में क्या होते हैं? पीपीएच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एक मोमेंटम जो है ताजमहल जो बना हुआ है मुमताज़ की याद में, तो ताजमहल की जो मुमताज़ हैं उनकी भी डेथ हुई थी पीपीएच की वजह से उनके 14th चाइल्ड बर्थ के दौरान. ठीक है, और तीसरा फिर हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड. नेक्स्ट टॉप यूट्राइन फाइब्रॉइड. यूट्रस मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस. एनेस्थेसिया, फिर पेशेंट को एनेस्थेसिया ईथर या हेलोजन टाइप का ड्रग दिया जाता है, देन उसके पीपीएच के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस. ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस कब हो सकता है? अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है पेशेंट को, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रामनियोस, बिग साइज बेबी. अगर ये सब होता है तो क्या होता है कि यूट्रस जो है जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है. तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं? ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंटीपार्टम अगला देखेंगे. एंटीपार्टम हेमोरेज,
ये मैक्सिमम किस एंटीपार्टम हेमरेज मैक्सिमम जो है प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में होता है. प्लेसेंटा प्रीविया भी एक कॉज है ब्लीडिंग का. ठीक है, अगला है माल न्यूट्रिशन. अगर पेशेंट एनीमिक है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. हमने अभी डिफाइन किया कि ग्रेटर देन अगर 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी में, ग्रेटर देन 1000 ml हो रहा है सीजेरियन सेक्शन में, तो उसको ये एक नॉर्मल डिफिनेशन है. लेकिन अगर पेशेंट बहुत एनीमिक है तो बिलो 500 ml भी होगा तो पेशेंट शॉक में चली जाएगी एंड डेथ हो जाएगा. लेकिन अगर हेल्दी पेशेंट है तो हेल्दी पेशेंट के केस में क्या होगा, अगर 1500 ml से भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो पेशेंट शॉक में नहीं जाएगी. तो पीपीएच को क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि प्री डिलीवरी मतलब डिलीवरी से पहले जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल होता है उससे इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब अगला क्या देखेंगे, टिश्यू. अगला कॉज क्या था, पहला टी था टोनिसिटी, दूसरा है टिश्यू. रिटेन टिश्यू के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, पहला है ट्रैप्ड प्लेसेंटा. इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है पर अच्छे से फोर्स के कारण फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अच्छा नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्लेसेंटा यूट्रस में ही रिमेन रहता है. ठीक है, इसकी वजह से पीपीएच हो सकता है. दूसरा है प्लेसेंटल एडेजन. अगर प्लेसेंटा एडहर्ड है, एडेजन ऑफ प्लेसेंटा को 3 टाइप्स में देखते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा एंड प्लेसेंटा परक्रीटा. हमारे यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. तो नॉर्मली जो हमारा यूट्रस क्या होता है प्लेसेंटा क्या होता है वो एंडोमेट्रियम से अटैच्ड होता है. लेकिन प्लेसेंटा एक्रीटा के केस में क्या होता है, ये मायोमेट्रियम से एडर्ड हो जाता है. तो ऐसे केस को प्लेसेंटा इनक्रीटा कहते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं. प्लेसेंटा इनक्रीटा के केस में क्या होता है, ये मायोमेट्रियम से अटैच नहीं होता, उसको इन्वेड कर देता है, देन ये प्लेसेंटा एक्रीटा है. और थर्ड प्लेसेंटा परक्रीटा में क्या होता है कि मायोमेट्रियम को क्रॉस कर देता है और पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाता है. तो ये 3 केस में क्या होता है, प्लेसेंटा पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाता है, देन पीपीएच के चांसेस रहते हैं. अगला क्या था, टीयर. टीयर के क्या क्या, टीयर या ट्रॉमा, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं. पहला है अगर ड्यूरिंग डिलीवरी सर्वाइकल में, वेजाइना में, पेरी यूरिथ्रल एरिया में कहीं टीयर हो रहा है तो ब्लीड करता है, यूट्राइन रप्चर, एक्सटेंशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन. एक्सटेंशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन वाउंड, ब्रॉड लिगामेंट, हेमेटोमा, और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड होता है यूट्राइन इन्वर्जन. ये है ट्रामा के काज. अब हम लोग देखते हैं थ्रोम्बिन.
थ्रोम्बिन में हमने पहले ही बताया था कि कोआगुलेशन डिसऑर्डर होता है, तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? किन किन केसेस में ये हो सकता है प्लेसेंटल एब्रप्शन? पहला तो ये क्या है, कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल अगर डिजीज है देन ये हो सकता है, अगर कोई एंटी कोआगुलेंट थेरेपी चल रही है पेशेंट को। इन सब चीज़ों में क्या होता है, कोआगुलेशन डिजीज फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है ब्लीड कर सकते हैं। अगर पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, इस केस में भी पीपीएच हो सकता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, पीपीएच को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रेगुलर एएनसी चेकअप, एनीमिक पेशेंट का करेक्ट एनीमिया, एनीमिया करेक्शन, डिलीवरी इन वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। डिलीवरी हमेशा हमें ऐसे जगह कराना चाहिए जहाँ सारी सुविधाएं प्रेजेंट हो, कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत उसको मैनेज किया जा सके। होम डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। किसी की लाइन है होम डिलीवरी मेड फॉर पिज्जा नॉट फॉर बेबी। होम डिलीवरी हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, वॉच केयरफुली फोर्थ स्टेज, ड्यूरिंग फोर्थ स्टेज या 1 to 2 hours ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग फोर्थ स्टेज। अब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कैसे करते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन, आईएम या आईवी तुरंत देते हैं विद इन वन मिनट ऑफ डिलीवरी। तुरंत डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन देते हैं, डिलीट कार्ड क्लैंपिंग, कार्ड को डिलीट कार्ड क्लैंपिंग, प्लेसेंटा की जो डिलीवरी कराते हैं वो कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन के थ्रू कराते हैं। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाई कंट्रोल कॉल ट्रैक्शन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जब पेशेंट को कंट्रैक्शन आ रहा हो देन उसको पुश करने के लिए बोलते हैं और डिलीवरी कराते हैं। चौथा क्या है, यूटराइन मसाज। ये चार स्टेज को अगर हम फॉलो करते हैं आफ्टर द डिलीवरी तो मैक्सिमम केसेज ऑफ प्लेसेंटल पोस्टपार्टम हेमरेज है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है जिसके वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लीडिंग रुक जाता है। हमारा जो इंडोमेट्रियल मसल है वो ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में
यूट्राइन आर्टरीज के, ये हमारी यूट्राइन आर्टरीज, तो बिफोर द कंट्रैक्शन ये ऐसा रहता है। जब कंट्रैक्शन हो जाता है तो फिर ये क्या होता है, यूट्राइन मसल कंट्रैक्ट करते हैं, तो यूट्राइन आर्टरीज जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। और जिससे जो है ब्लीडिंग रुक जाती है और फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटल ब्लड होता है। इसीलिए पीपीएच में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने का बहुत बड़ा रोल है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये आर्टरीज एडिटेड रहेंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और ब्लीडिंग होती रहेगी। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आर्टरीज का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, प्लेसेंटल ब्लड फॉर्म हो जाता है। इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं अगर शॉक में पेशेंट जा रहा है? पेशेंट सबसे पहले पैलर हो जाएगा, स्किन कोल्ड हो जाएगी, क्लोन एंड क्लेमी स्किन, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, देन टैकीकार्डिया। ये सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं अगर पीपीएच का पेशेंट है तो। एक हम लोग शॉक इंडेक्स पढ़ते हैं, इससे पता लगा लेते हैं पेशेंट शॉक में जा रहा है। हार्ट रेट इज डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर ये बिलो 0.5 है या ग्रेटर देन 0.9 to 1.1 है, देन क्या है, पेशेंट शॉक में जा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब तक हमने टाइप्स और कॉजेज जान लिए, अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले थर्ड स्टेज ब्लीडिंग में क्या देखेंगे, इस पे देखेंगे पहले कि प्लेसेंटल कॉज है या फिर कोई ट्रामा है। अगर ट्रामा है तो उसकी सुचरिंग करेंगे। प्लेसेंटल साइट है, पेशेंट को एनएस देंगे, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो अरेंज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूट्राइन मसाज करेंगे, मेथर्जिन इंजेक्शन देंगे। अब प्लेसेंटा अगर सेपरेटेड है, तो प्लेसेंटल डिलीवरी कराएंगे, बाय कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन सीसीटी। अगर प्लेसेंटा सेपरेटेड नहीं है, नॉट सेपरेटेड, देन मैनुअल रिमूवल करेंगे, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। अंडर जी है तो ये मैनेजमेंट हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ ब्लीडिंग में करते हैं। ट्रू पीपीएच के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, मॉनिटर लगाएंगे उसका बीपी, पल्स, ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी रेट को है वो वॉच करेंगे, कैथेराइज करेंगे फॉर यूरिन आउटपुट के वॉच के लिए, आउटपुट ऑफ यूरिन। एक्स्ट्रा हेल्प के लिए कॉल करेंगे, आईवी लाइन लगाएंगे वाइट कैनुला के साथ, वीटी अरेंज करने के लिए तुरंत क्रॉस सैम्पलिंग के लिए भेज देंगे, और जब तक हमारा ब्लड अवेलेबल नहीं होता है तब तक एनएस या हेमएक्सेल लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉज पे जाएंगे, फिर यूट्रस को फील करेंगे कि यूट्रस हार्ड है कंट्रैक्टेड है। अगर हार्ड कंट्रैक्टेड है तो मैक्सिमम क्या चांसेस हैं कॉज के, ट्रामा। ट्रामा को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उसकी सूचरिंग कर देंगे। पर अगर यूट्रस सॉफ्ट है, रिलैक्स है, तो फिर कॉज क्या है, यूट्राइन एटोनी। अगर यूट्राइन एटोनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्राइन मसाज करेंगे,
इंजेक्शन मेथर्जिन देंगे, पर हाइपरटेंशन के केस में प्रीक्लेम्सिया या हाइपरटेंशन के केस में मेथर्जिन कंट्राइंडिकेटेड है, ये इन सिम्टम्स को और बढ़ा देता है, तो इन केस में मेथर्जिन नहीं देंगे। ऑक्सीटोसिन देंगे 20 यूनिट नॉर्मल से लाइन में हाई स्पीड पे, मतलब एटलीस्ट 60 ड्रॉप पर मिनट पे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्लेसेंटा रिमूव हुआ है उसको वॉच करेंगे कि कुछ टिश्यू अंदर तो नहीं रह गया है इसको। इसके बाद क्या करेंगे, टू वॉच प्लेसेंटा फॉर रिटेन टिश्यू। प्लेसेंटा को देखेंगे कि कोई रिटेन टिश्यू तो नहीं रह गया है, अगर रिटेन टिश्यू है देन उसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद भी अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो प्रोस्टोडिन इंजेक्शन देते हैं, प्रोस्टोडिन IM देते हैं। इसको रिपीट कर सकते हैं एवरी 15 टू 30 मिनट, मैक्सिमम डोज इसका 8 देते हैं, 8 डोज इसका मैक्सिमम देते हैं। ये जो है अस्थमा में कंट्राइंडिकेटेड होता है, अस्थमा में इसको नहीं देते हैं। दो यहाँ पे कंट्राइंडिकेशन पढ़ा हमने, मेथर्जिन जो है हाइपरटेंशन या प्रीक्लेम्सिया में कंट्राइंडिकेटेड होता है, प्रोस्टोडिन अस्थमा में नहीं देते हैं, ये इन सारे सिम्टम्स को और बढ़ा देते हैं। प्रोस्टोडिन देंगे या फिर मीजोप्रोस्ट 1000 mg डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, रिमेन एटोनिक है, अगर यूट्रस रिमेन एटोनिक देन बाईमैनुअल कंप्रेशन करते हैं यूट्रस का, बाईमैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस करेंगे। उसके बाद भी अगर कंप्रेशन के बाद भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो रिमेन एटोनिक यूटराइन टैम्पोनिंग ऑफ टैम्पोनेट। ट्राइन टैम्पोनेट जो है ये दो तरह से करते हैं, पहले टैम्पोनिंग होता क्या, टैम्पोनिंग मतलब क्या है कि यूट्रस को और सर्विक्स को जो है फुल प्रेशर के साथ उसको कवर करते हैं, तो उस प्रोसेस को टैम्पोनिंग करते हैं। टैम्पोनिंग दो टाइप से कर सकते हैं, पहला पैकेजिंग कर सकते हैं, ये गॉज पीस के थ्रू करते हैं, ये लगभग 8 meter x 5 cm साइज का गॉज पीस होता है, उसको यूट्रस को फुली मतलब स्टराइल गॉज पीस को डालते हैं एंटीबायोटिक कवरेज के साथ पूरा प्रेस करते हैं। सर्विक्स के लिए हम लोग अलग से गॉज पीस यूज करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे पैक करते हैं। दूसरा कर सकते हैं यूटराइन बलून टैम्पोनेट, बैलून टैम्पोनिंग कैसे करते हैं, जो कंडोम आता है ना उसको कैथेटर के माउथ पे अच्छे से लगा के उसको सूचरिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि यूट्रस में पहले यूट्रस को देखते हैं कि क्लीन है, उसमें कुछ भी नहीं है, देन इस बलून को उसमें डालते हैं कंडोम को, और उसके बाद इसमें 300 to 500 ml फ्लूड डालते हैं। उसके बाद कुछ देर के लिए वॉच करते हैं, अगर उसके इस प्रेशर से अगर बंद हो गया है, ब्लीडिंग बंद हो गया है, देन क्या करते हैं, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है देन इसको 24 आवर तक
12 to 24 आवर तक इसको रहने देते हैं. ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है 12 to 24 आवर तक रहने देते हैं. ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है देन फिर हम लोग सर्जिकल प्रोसेस को लेते हैं. सर्जिकल में पहला क्या करते हैं, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन करते हैं. इससे भी पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, रेडियोलॉजिकल एम्बोलाइजेशन करते हैं. रेडियोलॉजिकल एम्बोलाइजेशन करते हैं, बी लिंग सूचर करते हैं, बी लिंग सूचरिंग करते हैं. इसके बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है देन हिस्टेरेक्टोमी. फाइनल मैनेजमेंट हमारा हिस्टेरेक्टोमी होता है. इतना सब के बाद भी अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ब्लीडिंग उसकी बंद नहीं हो रही है, तो उसका हिस्टेरेक्टोमी करते हैं. एडहर्ड प्लेसेंटा के केस में हम क्या मैनेजमेंट करते हैं, एडहर्ड प्लेसेंटा है तो अगर प्लेसेंटा एक क्रीटर है, प्लेसेंटा एक्रीटा के केस में क्या करते हैं कि जितना प्लेसेंटा को हम रिमूव कर सकते हैं उतना रिमूव करते हैं. रिमूव प्लेसेंटा एज मच एज पॉसिबल, जितना निकाल सकते हैं उतना प्लेसेंटा निकालते हैं. उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऑक्सीटोसिन एंड यूट्राइन पैकेजिंग करते हैं. इसके बाद भी प्लेसेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है देन यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, नो रिस्पॉन्ड हिस्टेरेक्टोमी. प्लेसेंटा इनक्रीटा के केस में क्या करते हैं, प्लेसेंटा इनक्रीटा है अगर पैरस वुमेन है तो उसका हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे. पैरस है, बेबी नहीं डिजायर है इसको, नेक्स्ट इसको नहीं प्लान करना है इसको, देन हिस्टेरेक्टोमी. बट वुमेन वो डिजायरिंग प्रेगनेंसी, अगर वुमेन है जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी डिजायर कर रही हैं तो फिर अगर ब्लीडिंग स्टॉप्ड हो गई है तो प्लेसेंटा को छोड़ सकते हैं हम लोग. नॉर्मली इन केसेस में ब्लीडिंग कम होती है इनक्रीटा के केस में, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं, तो प्लेसेंटा इनक्रीटा के केस में ब्लीडिंग कम होती है. तो प्लेसेंटा को हम लोग छोड़ देते हैं और जहाँ से प्लेसेंटा का एडेजन होता है वहाँ से कार्ड को क्लैम्प कर देते हैं, मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देते हैं. मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देंगे और बीटा एचसीजी का इवेलुएशन करते हैं, क्योंकि ऐसे केस में कोरियोकार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो बीटा एचसीजी का इवेलुएशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम और एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं. अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है इन सारे ट्रीटमेंट से तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हिस्टेरेक्टोमी. अब प्लेसेंटा पर क्रीटा में क्या करते हैं, प्लेसेंटा पर क्रीटा में अब वुमेन पैरस है नली पैरस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइनल मैनेजमेंट इसका हिस्टेरेक्टोमी होता है. कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको भी इन्वेड कर लेता है प्लेसेंटा पर क्रीटा, प्लेसेंटा जो है. तो ऐसे केस में टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी प्लस पार्शियल सिक्सेक्टोमी करते हैं. तो आज हमने पढ़ा पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में, इसके कॉजेज, इसके टाइप्स एंड मैनेजमेंट के बारे में.
इस टॉपिक में अगर कुछ भी कमी हो या रह गया हो जो मैंने इंक्लूड नहीं किया हो तो आप लोग नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मेरी मम्मा ने जो बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक